ट्रांसफर ऑफ हीट से स्टार्ट किया था हमने, प्लीज साइलेंस। ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर हमने लास्ट टाइम थर्मल कंडक्टिविटी को स्टडी किया, थर्मल कंडक्टिविटी में हीट करंट को स्टडी किया, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला हमने स्टडी किया, ये सारा काम हमने लास्ट टाइम किया था। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक था रादर, सीधा वहीं पे आता हूँ, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेंस और रेडिएशंस के ऊपर रादर हमने स्टार्ट किया था। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी हमें पता है इसको कैसे लगाना है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने किया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बाद ये रहा ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने ये डिस्कस किया कि अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट है एक बॉडी पे अगर आएगी तो उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। टोटल सम एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से R इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी, और या फिर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड का सम ए होगा। मेन चीज जो इस पूरे चैप्टर में करने वाली है वो नाम है, नाम याद रखने हैं विद डेफिनेशन, नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब है दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को छोटा ए बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, पहला पॉइंट क्लोज करें, स्मॉल ए के कोई यूनिट्स नहीं है और इसका मतलब रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। उसके बाद मैंने बताया था स्मॉल ई, स्मॉल ई का पूरा नाम क्या था बोलो, एमिसिव पावर। तो स्मॉल ई का मतलब एमिसिव पावर, और एमिसिव पावर मैंने बताई थी दिस इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। ये डेफिनेशन याद रहेगी, ए का मतलब फ्रैक्शन है, ई का मतलब एमिसिव पावर है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए। और अगर सेम डेफिनेशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लगाएं तो दिस इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। लेकिन हम बुक्स में या तो ये सिंबल देखते हैं या फिर इसकी जगह सिंबल रिप्लेस हो जाता है ई, नॉट ए की बात है, तो सिंबल का ही फर्क है, मतलब लेकिन दोनों में सेम है। तो स्मॉल ई का मतलब भी एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और ई नॉट का मतलब भी एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब एक ही है। कोई डाउट इसमें? ये दो रेशियो, ये दो डेफिनेशन क्लियर है। तीसरी एमिसिविटी, नाम नहीं भूलना मैं फिर कह रहा हूं, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर और एमिसिविटी। एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ E and divided by E naught, that is emissive power, energy emitted per second per unit area for any body divided by energy emitted per second per unit area for a perfectly black body, clear है यहाँ तक। और ये माना जाता है कि perfectly black body, जैसे हमने last time discuss किया था कि energy को absorb करती है, तो कई लोग जाते हुए पूछ भी रहे थे कि जब वो energy को absorb करती है तो फिर वो emit कैसे कर रही है। तो ये ना जस्ट एक आइडल केस है, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम अलाउ करें कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करना स्टार्ट करे ताकि हम कंपेयर कर सकें बाकी बॉडीज की एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ, और हम देखेंगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, अगर वो अलाउ किया जाए कि वो एमिट करना शुरू करे, तो उससे ऊपर बढ़िया एमिटर हो नहीं सकता, क्योंकि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट भी करेगा, राइट। तो हम इस चैप्टर में मान के चलते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट करती हैं, लेकिन जब एब्जॉर्ब करती हैं तो सिर्फ एब्जॉर्ब ही करती हैं, और जो एमिट करती हैं तो सिर्फ एमिट ही करती जा रही हैं, राइट। तो हम कंपेयर करते हैं किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, ऑब्वियसली कम ही आएगी, तो ये वाली न्यूमिनेटर कम आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा
ज्यादा आएगा, इसीलिए एमिसिविटी एप्सिलॉन सिंबल लेस देन वन आता है, राइट। तो किसी भी बॉडी के लिए रेशियो आपको याद रखनी है, और एमिसिविटी फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी की वैल्यू क्या होगी, वन, क्योंकि अगर ये वन होगा तो ई और ई नॉट वन एंड दी सेम थिंग। कोई डाउट इसमें, ये रेशियो समझ में आ रही है, कैपिटल ई नॉट ये कॉन्स्टेंट होती है किसी भी एरिया के लिए, कॉन्स्टेंट होती है, मुझे वैल्यू पता नहीं है बट इट इज नोन ये कॉन्स्टेंट रखी जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, बाकी टाइम पे जरूर डिपेंड कर देती है, कोई अगर हम पर सेकंड लेंगे, पर यूनिट एरिया लेंगे फिर तो कॉन्स्टेंट ही ऑब्वियसली, चेंज कर दोगे टाइम और एरिया तो फिर अलग बात है, पर 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 सेकंड ही चलता है इसमें। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, तो ये बुकलेट के अंदर मेरे ख्याल से रेशियो क्लियर है। फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन किसी ने बनाने की कोशिश की कि चलो बना के देखते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, शायद बन जाए, जो सिर्फ एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब ही करती रहेगी। तो किसी ने क्या दिमाग लगाया, उसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली, ये रही, फेरी नाम का साइंटिस्ट था, फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसे, उसने एक ब्लैक बॉडी ली या मिरर लगा दिया, ये ओपनिंग बहुत छोटी है मैंने बड़ी बनाई है, इसमें रेडिएशन को आना तो अलाउड है पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रेडिएशन एंटर कर गई, कुछ तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, पर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो बनी नहीं सकती ना, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसने अपनी एनर्जी कुछ रेडिएट कर दी, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी, जाएगी कहां, मिरर के पास, मिरर से टकराई टकराई फिर अल्टीमेटली इसी ऊपर गिर गई, घूम फिर के अंदर ही रहेगी और अल्टीमेटली ब्लैक बॉडी पे गिरती रहेगी, पर एक प्रॉब्लम है, मिरर गर्म हो जाएगा, जहां मिरर पे गिर रही है मिरर भी गर्म हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि मिरर ऐसा यूज किया जो एब्जॉर्ब बहुत कम करता है, मटेरियल ऐसा यूज किया मिरर का, पर फिर भी 1% एनर्जी इसमें लॉस हो गया, 99% एनर्जी इसने रिटेन कर ली। तो मतलब आइडल ब्लैक बॉडी तो नहीं बनी, पर फिर भी अप्रोचिंग टू ब्लैक बॉडी, मतलब जबरदस्ती बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये हीट बाहर ना जाए, बस इसी को मिलती जाए। तो ये जस्ट एक तरीका है, इसके ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं आता, बस पता होना चाहिए कि किसी ने ट्राई किया था फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक, आएगा कुछ नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ की के अंदर ये डिस्कस किया गया है, किरचॉफ लॉ में ये डिस्कस किया गया कि मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 है और उस बॉडी की एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया E1 है और उसकी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड A1 है, फिर है टेम्परेचर T2, उस बॉडी की एमिसिव पावर E2 है और एब्जॉर्प्टिव पावर A2 है। किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप फिक्स टेम्परेचर लेते हो तो किसी भी बॉडी की E/A की रेशियो और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की E/A रेशियो ये सेम आती है, यानी कि इन शॉर्ट आप कोई मर्जी बॉडी ले लो, E/A मान लो आपने T टेम्परेचर सेट कर दिया, उस टेम्परेचर पे उस बॉडी की E/A की जो रेशियो आएगी फॉर एनी बॉडी, दिस विल बी इक्वल टू E/A रेशियो फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन प्रोवाइडेड टेम्परेचर दोनों का सेम हो। हाँ, अगर आपने यहां टेम्परेचर T1 किया फिर यहां भी T1 कर देना, थोड़ा सेम टेम्परेचर, सिर्फ यही नहीं, कोई दुनिया की बॉडी ले लो, जिस मर्जी कलर की ले लो, उसकी E/A की रेशियो T टेम्परेचर पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेशियो की इक्वल ही होती है, यानी कि दुनिया की सारी बॉडीज की E/A की रेशियो हमेशा सेम रहती है, और किसके इक्वल होती है, इक्वल टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ऐसा कैसे, उल्टा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तो ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ए बड़ा होता है, तो जब वो एमिट करेगी उसका ई भी बड़ा ही होगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी ज्यादा करेगा, तो इसकी रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगी, जिनका ए छोटा होता है उनका ई भी छोटा होता है, तो रेशियो इन सबकी क्या रहेगी, सेम रहती है, तो जिसका ई बड़ा है उसका ए भी बड़ा है, तो इसलिए रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हर बॉडी के लिए इट विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? तो आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होता है E/A फॉर एनी बॉडी लिख सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लिख लेते हैं, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है ए लैम्डा ई लैम्डा, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा है, स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा, मतलब एवरेज ए की बात नहीं कर रहा, फॉर अ गिवन वेवलेंथ की बात कर रहा है। दिस विल बी इक्वल टू E/A फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सेम ही चीज लिखी मैंने फॉर अ गिवन टेम्परेचर, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है E lambda by A lambda is equal to,
परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ये सिंबल क्या लिखें बोलो, ई नॉट लिख लें, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए छोटा ई नहीं लिखते, कैपिटल ई लिखते हैं, ई नॉट। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव का ये जो रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है, वन। तो इसकी जगह वन लिख लें, इसकी जगह ई नॉट लिख लें। और जैसा कि आपने पूछा कि ये कॉन्स्टेंट होता है, हाँ ये कॉन्स्टेंट होता है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई लैम्डा बाई ए लैम्डा फॉर एनी बॉडी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, राइट? या फिर ई लैम्डा इज प्रपोर्शनल टू ए लैम्डा, मीन्स जो सब्सटेंस या जो बॉडी गुड एब्जॉर्बर्स हैं वो गुड एमिटर्स भी हैं। ये स्टेटमेंट यहां से आई, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आया पहला पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये भी समझ में आ रहा होगा, एंड रिजल्ट बताता हूँ। ये वाला सीधा समझो, ई लैम्डा एंड ए लैम्डा की रेशियो फॉर एनी बॉडी इज इक्वल टू फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये रेशियो क्लियर है, और ये भी क्लियर है ये कॉन्स्टेंट है, तो ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। कोई डाउट इसमें? ये रेशियो क्लियर है यहां तक, और ये समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा? ठीक। तो अब इसके अंदर एक तो ये जो लॉ है, इस लॉ का प्रूफ ऑप्शनल है, मेरे ख्याल से ये पूछा नहीं जाता, पर फिर भी मैंने डाला हुआ है। मैं इसके प्रूफ को एक बार डिस्कस करता हूँ। ये रहा, मुझे पता नहीं बुकलेट के किस पेज पे, आपके बुकलेट के लिखा होगा, आपके बुकलेट में, ये आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 107। तो चेक करो पेज नंबर 107, किरचॉफ लॉ। तो इसमें इसका प्रूफ मैंने एच सी वर्मा से लिया है, बस इसलिए जो जिनको शौक है पढ़ने का वो पढ़ लेते होते हैं कि चलो देखें जरा कैसे किया, तो वो उसमें प्रूफ उसने डाला हुआ है, बाकी बुक्स में डाला नहीं हुआ, मैंने एनसीईआरटी में बुक्स में देखा नहीं, बट चलो देख लेते हैं इसमें क्या। दो लाइन का ही तो ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। वो कहता है कि ठीक है इसको प्रूफ करना है, और एच सी वर्मा की जो बुक जब आप पढ़ेंगे या कोई पढ़ना चाहे तो वो ना सेम चीज़ को ऐसे लिखता है, ई बाई ए की रेशियो फॉर एनी बॉडी। तो एच सी की बुक में ना वो देखो अब ऑथर्स की मर्जी है, वो एमिसिव पावर को छोटा ई नहीं लिखना चाहता, उसकी मर्जी ना लिखें, ये लिखना चाहता है इसने लिख लिया। तो इसने कैपिटल ई को डिफाइन किया फॉर एनी बॉडी, और वो कहता है कि मैं ई नॉट नहीं लिखता परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर, वो क्या लिखता है, ई के ब्रैकेट में ब्लैक बॉडी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। तो सिंबल हर बुक डिफरेंट करेगा, मतलब हर बुक में डिफरेंट मिलेगा आपको, ये आपकी मर्जी है, आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए वो क्या लिख रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ई बाई ए फॉर एनी बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसको प्रूव करने के लिए उसने कहा कि मान लो दो आइडेंटिकल बॉडीज लो, एक लो परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी मत लो, ए और बी दो बॉडीज ले ली, ठीक। दोनों को एनर्जी दो, एनर्जी कितनी दो, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज रेडिएशन फॉल्स ऑन दी बॉडी इन टाइम डेल्टा टी, सेम टाइम के लिए डेल्टा टी टाइम के लिए क्या किया हमने इसके ऊपर, रेडिएशन को घेरा। तो ए और बी जो बॉडीज हैं ये क्या करेंगी, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा यू, क्योंकि उसका तो काम है जो आप उसको दोगे एनर्जी वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा यू, ठीक, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बट एनी बॉडी कोई और बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन सेम नहीं होगा, कम होगा, कितना होगा, इसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी बॉडी की फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हाफ है अगर मान लो, तो आप उसको अगर 100 एनर्जी देते हो उसने हाफ ही एब्जॉर्ब करनी है, बाकी उसने एब्जॉर्ब नहीं करनी। तो ए का मतलब समझ में आता है, ए का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। तो एनी बॉडी की ये ए की वैल्यू वन तो होती नहीं, एनी बॉडी के लिए ए वन हाफ, 1/4 डिपेंडिंग उसकी नेचर, तो उसने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी है, इतनी एब्सॉर्ब करनी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक? स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं, किसी के एब्सॉर्प्टिव पावर नहीं, वन तो किसी की भी नहीं है, सारा लेक्चर कैसे एब्सॉर्ब कर लेगा कोई, ठीक। तो किसी की ज्यादा है किसी की कम है, किसी को आधा लेक्चर समझ में आ रहा है उसका ए वहाँ हाफ है, तो उसको दे तो पूरा ही रहे हैं पर वो एक्सेप्ट हाफ कर रहा है। अब एनर्जी के अंदर आ जाओ, तो एनर्जी डेल्टा यू दे रहे हैं,
कोई हाफ कर रहा है, कोई वन फोर्थ कर रहा है, उसकी नेचर है, कोई पूरा का पूरा कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। और जब उसने वो लेक्चर सुन लिया, उसने कहा चल सुना, अब टीचिंग सुना, लेक्चर सुना, अब जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी ज़्यादा करेगा, अब वो लेक्चर भी प्रॉपर देना स्टार्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसके लिए एमिसिव पावर क्या है, ई नॉट। अब जो एब्जॉर्ब बढ़िया कर रहा है, पूरी की पूरा उसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, तो एमिट भी ज़्यादा करेगा, प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन जो एब्जॉर्ब ए के हिसाब से कर रहा है वो एमिट भी कैसे करेगा, उसी हिसाब से करेगा। इसमें सिंबल चेक कर लेता हूँ। तो किसी बॉडी के लिए इसने सिंबल को क्या यूज किया, ई। ई का मतलब फॉर एनी बॉडी एमिसिव पावर, दैट इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये रूल समझ में आ रहा है, जो ज़्यादा जो एनर्जी ले रहा है वो ऑब्वियसली परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसी हिसाब से एमिट कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आती है डेल्टा यू इज इक्वल टू के टाइम्स ई नॉट, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आती है ए इंटू डेल्टा यू इज के टाइम्स ई। तो इस डेल्टा यू को यहां पुट कर देते हैं, ए इंटू के इंटू ई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ई, के से के कैंसल, तो ई डिवाइडेड बाय ए की रेशियो किसके इक्वल आ गई, ई नॉट के इक्वल आ गई। तो यहां से चीज को प्रूव किया जा सकता है, ऑप्शनल है लेकिन नहीं भी पूछते, कोई पूछ भी लेता है, बट आपको समझ में आ रहा है कि क्या है इसका, इसका करना कैसे ऐसे। कुछ भी नहीं किया वैसे, तो उसको पता ही था कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी करेगा, वो तो बस रिलेशन बना रहा है इसका और इसका, बाकी प्रोपोर्शनैलिटी तो सबको पता ही है, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो एमिट भी ज़्यादा ही करेगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी उसने ऐसे बना दी, राइट। तो ये इसका प्रूफ है, ऑप्शनल है अगेन मेरे हिसाब से, और मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया, किरचॉफ लॉ क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या किया, थर्मल कंडक्टिविटी, एक थर्मल कंडक्टिविटी किसमें चलती थी, सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसमें होती है, थ्रू कंडक्शन होती है, और कंडक्शन में क्या यूज करते हैं, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक। फिर कन्वेक्शन हमने नहीं किया, कन्वेक्शन का तो रिजल्ट है ही नहीं मैथमेटिकल इसमें। फिर आया रेडिएशन, रेडिएशन में पहला सिंबल किया हमने छोटा ए, फिर हमने किया ई, फिर किया ई नॉट, फिर किया एप्सिलॉन, और फिर हमने किरचॉफ लॉ, तीन चार चीजें की है। तो कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां तक के पहले न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूं, ठीक। और लॉज, तीन लॉज पड़े हैं, वो अलग करेंगे, ये अलग करेंगे। तो आप प्लीज अपनी शीट को ओपन कर सकते हो, जो आज आपको शीट मिली है, ठीक। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, A82 नंबर शीट है, और शीट का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, प्रिंट आउट ले लें प्लीज। देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर हमने जो लास्ट टाइम किया, मेरी आदत है मैं शीट के अंदर थ्योरी जरूर डालता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब कंपटीशन से पहले बैठोगे तो ये तो करोगे नहीं, आधी बुकलेट में चल रही है आधी इसमें चल रही है, तो फटाफट गो थ्रू करोगे। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया जो लास्ट टाइम मैंने करवाया, कि अगर ये एक कंडक्शन का एग्जाम्पल है और मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, थर्मल कंडक्टिविटी के, टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 डेल्टा टी, और डिस्टेंस इनके बीच में टी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था T1 माइनस T2, फर्क यह है कि इसमें क्या लिख लिया, डेल्टा टी। तो मैंने बताया था जो हीट ट्रांसफर होगी वो टाइम के, एरिया के, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिजल्ट किया था, कंबाइन किया था, कंडक्टर गुड है या नहीं है उसके लिए के लगा था, क्यू बाई टी का ये फॉर्मूला, राइट। क्यू बाई टी को क्या बोलते हैं, हीट करंट, क्लियर है यहां तक। सेकेंड टाइम करो, बात ही कुछ और है, कोर्स को ज्यादा क्लियर दिखता है, जल्दी दिखता है, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है, तभी कहते हैं रिवीजन जरूरी है, ठीक। तो इसके अंदर Q by T की वैल्यू आ गई इसमें, अच्छा नेक्स्ट है इसमें Q by T के बाद, ये लो। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था इसको हीट करंट बोलते हैं, ये सारे वेरिएबल नीचे चले गए, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करना है, तो ये क्या आ गई, थर्मल रेजिस्टेंस आ गई।
फिर मैंने रॉड्स को किस में करवाया था, सीरीज में करवाया था, आपके बुकलेट में लिखा हुआ है। सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला आया था, इसको सॉल्व किया था, के एस का फॉर्मूला आया था 2K1K2 by K1 plus K2, कुछ ऐसा रिजल्ट था, 2 times K1K2 by K1 plus K2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियर है यहाँ तक। सीरीज का फॉर्मूला रॉड्स में कि अगर दो रॉड्स हैं K1 K2 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की है, उनको कंबाइन करके एक मटेरियल यूज करना है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला। सिमिलरली पैरल कॉम्बिनेशन में किया था, पैरल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या आया था, K1 plus K2 by 2, क्लियर है यहाँ तक, ये किया हुआ है हमने राइट, मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, वो कहेगा दो रॉड्स हैं, इसमें लिख लो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, प्लीज लिख लो इसमें मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। जब मैं बोलता हूं टू रॉड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में एग्जैक्टली सेम, बोथ आर गुड कंडक्टर्स, एक जैसे कंडक्टर्स हैं, ठीक। यहां तक नेक्स्ट है, तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम है तो सेमी सर्कल की फॉर्म में है, यहां का टेम्परेचर मान लो टी ए है, यहां का टेम्परेचर मान लो टी बी है, तो मुझे ये बताओ हीट रॉड में से जाएगी कंडक्ट करेगी, पहला रास्ता क्या होगा सीधी ए से लेके बी, दूसरा क्या होगा सेमी सर्कुलर पाथ, तो एक रास्ता सीधा और एक सेमी सर्कुलर पाथ। आपको क्वेश्चन में निकालना है कि रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड दोनों केस में क्या होगी, रादर लिखना चाहिए हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, करेक्शन कर लेना, क्योंकि हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड का मतलब डी क्यू बाय डी टी की रेशियो निकालनी है। अगर मैं लिखता हूं हीट, आप सिर्फ डी क्यू निकालोगे, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर आप ले और इसमें इस पूरे दोनों रॉड्स में, चाहे आप एक रास्ता लो ए से लेके बी तक या आप सेमी सर्कल रास्ता लो, के दोनों का एग्जैक्टली सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है क्योंकि आप इस रास्ते से जाओगे तो भी टी ए माइनस टी बी, इसमें जाओगे तो भी टी ए माइनस टी बी, तो टी ए माइनस टी बी की वैल्यू दोनों में सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है तो एज्यूमिंग सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब कि जो रॉड है उसका ये वाला साइड का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो गिवन है ये भी, तो क्या चीज रह गई सिर्फ लेंथ, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक बार कर्व्ड सरफेस के लिए एक बार स्ट्रेट के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कर्व्ड नीचे आ गया स्ट्रेट ऊपर आ गया, स्ट्रेट की लेंथ कितनी है 2R, कर्व्ड की लेंथ कितनी है पाई आर, आंसर ठीक है यहां तक। हाँ कई बार न्यूमेरिकल में ऐसे बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट एक का के दूसरे का 2K, मर्जी है उसकी, फिर आपको इसमें K को भी कंसिडर करना पड़ेगा, फिर K by L हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला लगेगा कैसे, तो लेंथ हमें मालूम है तो Q by T की रेशियो हम यहां से निकाल लेंगे, गुड आउट इसमें। नेक्स्ट है, सपोज आपके पास अब तीन रॉड्स हैं, तीनों की लेंथ सेम है, L, L एंड L, नहीं गिवन तो लिख लो लेंथ सेम है, नहीं गिवन लिख लो लेंथ सेम है, डायग्राम भी बना लो L, L और L, ठीक। हाँ जी ठीक है, यहां तक क्या स्टेप क्लियर है, यहां तक L, L एंड L ठीक है आगे, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी तीनों की डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है, तो एक का K1, एक का K2, एक का K3, तो वो कह रहा है कि हीट फ्लो करती है P से लेके Q तक, पहला रास्ता हीट फ्लो का सीधा, दूसरा रास्ता इन दो रॉड्स के क्रॉस, राइट, तो एक रास्ता तो सीधा हो गया P से लेके Q तक और एक रास्ता दो रॉड्स के थ्रू हो गया। अब क्वेश्चन में ये गिवन है हीट फ्लो चाहे P से Q पे जाओ यानी कि इस K3 के क्रॉस जाओ या K1 और K2 के क्रॉस जाओ, वो एग्जैक्टली सेम है, गिवन है क्वेश्चन में,
कि क्यू जो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, आप सीधा जाते हो या आप यहां से जाते हो, वो सेम है। क्या पॉइंट क्लियर है? ये जरूरी नहीं होता कि सेम हो सकता है हीट फ्लो अलग हो, यहां अलग हो, डिपेंडिंग मटेरियल क्या है, पर वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में सेम है। तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो का मतलब डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी सीधे रास्ते से यानी कि पी क्यू से या लंबे रास्ते से पी आर क्यू से एग्जैक्टली सेम है। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट है। अब ये चीज सेम है, आपको K1, K2 और इसका रिलेशन निकालना है। एक चीज ध्यान से देख लो, जो तो ये रॉड है, इस रॉड का हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला लगाओ। K3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो सभी रॉड्स का सेम है A, टेम्परेचर डिफरेंस P और Q का मान लो कितना है डेल्टा T, और लेंथ कितनी है इसकी L। तो ये फॉर्मूला समझ में आया, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लग गया। K की जगह K3 मैं इस पे लगा रहा हूं, इस रॉड पे K3 एरिया टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ। अब एक काम करते हैं, उन ऊपर वाली दो रॉड्स पे लगा लेते हैं। ऊपर वाली दो रॉड्स डिफरेंट मटेरियल की हैं। एक काम करते हैं, दो की जगह अगर एक रॉड लगी होती क्वेश्चन इजी हो जाता। तो हम एक काम करते हैं, K2 एंड K1 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम एक काम करते हैं, दो की जगह एक रॉड लगा लेते हैं। तो जब सीरीज में कनेक्शन होता है और दो रॉड्स हैं K1 K2, तो उनकी जगह जब एक रॉड लगानी होती है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट का अभी अभी फॉर्मूला बताया था, 2 K1 K2 by K1 plus K2 याद है, अभी बताया था, इस शीट के फ्रंट पेज पे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, और आज की स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 into K1 K2 by K1 plus K2 फॉर्मूला। तो हम एक काम करेंगे, उन दो रॉड्स की जगह एक ही मटेरियल कंसिडर करेंगे, कितना Ks। सीरीज के रिजल्ट में ये भी बताया था, जब दो रॉड्स की जगह एक रॉड लगती है तो लेंथ L प्लस L 2L हो जाती है। देखो ना, ये थोड़ा है कि सेम रॉड की लेंथ लोगे, तो L प्लस L 2L। तो लगाएं फॉर्मूला, उन दो रॉड्स की जगह इमेजिन कर लो एक ही रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है Ks। तो Ks इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन दोनों का भी एग्जैक्टली सेम A, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, क्योंकि ज्वाइन वो P से लेके Q पे ही करनी है, P और Q का टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर अगर डेल्टा T है तो यहां से भी डेल्टा T है। ये स्टेप क्लियर है? अभी क्लियर है यहां तक? तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें भी सेम रहेगा, चाहे P से लेके Q तक लंबे रास्ते से जाए चाहे छोटे रास्ते से जाए। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो Ks एरिया दो रॉड्स का क्रॉस सेक्शन का सेम ही रखना है A, लेंथ लेकिन क्या रखनी है 2L, क्योंकि L प्लस L क्या करना पड़ेगा हमें 2L। ये स्टेप समझ में आ रहा है? ठीक, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका K3 रॉड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, K3 वाला फॉर्मूला तो एज इट इज है, क्योंकि K3 की लेंथ भी L है एरिया भी A है। लेकिन जो दो रॉड वाला कॉम्बिनेशन है उसमें एक तो K चेंज करना है और उसकी लेंथ भी क्या कर देनी है L प्लस L 2L। याद रखना है सीरीज के अंदर अगर दो रॉड्स हैं और नई रॉड लगानी है तो 2L, तीन रॉड्स हैं नई लेंथ लगानी है तो 3L, चार रॉड्स हैं नई लेंथ लगानी है तो 4L। ये स्टेप समझ में आ रहा है? पुट कर दो Ks की जगह वैल्यू, सब कैंसल हो गया आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये जब मैं सॉल्व कर रहा था पेपर तो मुझे बैठे बैठे याद आ गया, एक क्वेश्चन छूट गया मुझसे, फिर मैंने कहा इससे पहले कि और छूट जाए मैं यहीं फिट इन कर देता हूं, रास्ते में तो आ ही जाएगा ना। ये क्वेश्चन या मेंस में एडवांस में एक बार आया हुआ है, मुझे याद नहीं अच्छे से, पर हो सकता है एडवांस में, हो सकता है मेंस में भी आया हो, पता नहीं, लेकिन नॉन मेडिकल वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में शायद चल जाएगा काम, या मेडिकल वाले देख लें, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, इसका छोटा फॉर्म आ जाएगा।
मेंस वालों को तो अभी क्या है 2018 के अंदर मैं चेक कर जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए मतलब लिटरली कट ऑफ 78 जेन्युइनली थोड़ी सी नीचे गई, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा 2017-16 का पेपर सॉल्व करो ना आसानी से होता है, 15 करोगे बहुत आसानी से होता है, 14-13 तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कई लोग बुक्स करते हैं एमटीजी वाली, वो कहते हैं हम तो यही पीछे से स्टार्ट करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आता जाए, तो ऐसे नहीं करो प्लीज, सीधा ही करो, क्योंकि 10 साल पुराना पेपर सॉल्व करके क्या करोगे, 3 साल के तो कम से कम करो, ट्रेंड चेंज होते हैं। इस बार बोलते हैं जो बॉडी चेंज हुई है पेपर बनाने वाली, और उन्होंने कहा है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, कहते आईआईटी वाले भी हैं हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है पता नहीं क्या करेंगे, बट उन्होंने बोला है कि हम थोड़ा बेसिक्स को टच करेंगे, पता लग जाएगा अभी जनवरी में फर्स्ट वीक में क्या आया क्या नहीं आया, तो वही ट्रेंड सेट हो जाएगा। मेडिकल का तो ट्रेंड सेट ही है, तो मेडिकल का सीधे क्वेश्चन ही आते हैं। मैं इसलिए ये बात डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस साल के पेपर में 2018 में मैंने बहुत नोट किया क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है ना वो कुछ डराने के लिए कुछ ऐसी लिखी हुई है कि मतलब बंदे को समझ में ना आए, पहले तो आम बंदा उसको टच ही ना कर पाए, वो तो पहले ही छोड़ दे कि यार अपने बस का ही नहीं है, तो लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे इसके अंदर भी कुछ स्टार्ट किया उसने, अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रिक करंट। बंदा सोचता है यार एटमोस्फेरिक प्रेशर कुछ लगेगा, पर बंदा सोचता है यार पीस ऑफ मेटल पे क्यों लगेगा, वो तो पानी पे लगता है लिक्विड पे लगता है, तो मेटल को भी एटमोस्फेरिक प्रेशर फर्क डालेगा। ये स्टेटमेंट पढ़ ही रहा होता है कुछ प्रेशर चैप्टर में जाता ही है, फिर इलेक्ट्रिक करंट बीच में आ जाता है, बंदा होता है आप इसमें बिजली भी पास हो रही है, मतलब बिजली का करंट और एटमॉस्फेयर से लेना देना ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जैसे आगे पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी जा रही है एट अ कॉन्स्टेंट पावर पी। अब बंदा वर्क एनर्जी पार में जाने की कोशिश करता है कि लग रहा है यार कुछ पावर पावर की बात कर रहा है, अब कुछ उसको फीलिंग अच्छी आनी स्टार्ट नहीं होती यहाँ पे। फिर आगे वो कहता है दिस इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये कुछ बात समझ में आती है कि कुछ पता नहीं क्या बिजली बुली दौड़ाई उसने, टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, ये समझ में आता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ गया, टी नॉट। अब टी नॉट ना भी गिवन हो या अंडरस्टूड होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर है 1 प्लस अल्फा स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब टाइम के साथ, टाइम बढ़ता जा रहा है स्मॉल टी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टी नॉट का मतलब उसका इनिशियल टाइम। नॉर्मली इनिशियल टाइम क्या होता है, जीरो। उसने क्या ले लिया, काइनेमेटिक्स याद है टी नॉट, तो टी माइनस टी नॉट सफिशियंट है ये फॉर्मूला डराने के लिए, मतलब आधे लोगों को कि भाई क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी रुको, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या फॉर्मूला है आगे, दी हीट कैपेसिटी। अच्छा ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड में पता लगता है हीट कैपेसिटी सीपी ऑफ द मेटल एट टेम्परेचर टी इज व्हाट। और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे ना 4 लाइन में खत्म होता है सिर्फ। पहले डिस्कस कर लेते हैं हीट कैपेसिटी होगी क्या, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यानी कि डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी हमें निकालना है, हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, तो पावर बाहर आ गई, उसने कहा कॉन्स्टेंट पावर है, देखो पावर का रूल आ गया, और टाइम की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेडिकल में नहीं आएगा प्लीज, मेडिकल रिलैक्स कर सकते हैं, डी टी बाई डी टी। अब अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू के लिए काम करना पड़ेगा, ये आपके पास एक टेम्परेचर नाम की कोई चीज गिवन है, ये देखो फॉर्मूला गिवन है, ये रहा टेम्परेचर, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसको दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां से क्या आ जाएगा डी टेम्परेचर बाई डी टी, लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, अगर मैंने ये वैल्यू निकाल दी इसका रेसिप्रोकल पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कैपिटल टी की जगह वैल्यू पुट की, टी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आया, इस पूरे की पावर 1/4 नीचे आई, पूरे की पावर 1 कम -3/4 इनटू डी बाय डीटी ऑफ ये फर्दर डेरिवेटिव। याद आ रहा है कुछ उन दिनों की बात है जब, या अच्छे दिन थे, ठीक बढ़िया लगता था, ठीक है सोचा नहीं होगा कि यार इस यहां तक पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, बस ये लास्ट लेवल है, इतना ही चलेगा रोज, ठीक है। तो इसमें डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0 कॉन्स्टेंट है, एल्फा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी इज 1 कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ऊपर पुट करना, ऑप्शन मैच कर लेना। याद नहीं आ रहा एडवांस या मेंस कहीं तो आया है, मुझे लगता है एडवांस में आया होगा,
मेंस के एमटीजी में तो है ही नहीं है बुक, तो फिर एडवांस में ही हो सकता है। पर जो भी है, पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक। मेडिकल में नहीं आएगा मैंने फिर बोला, और नॉन मेडिकल वालों को ना ज़्यादा समस्या भी नहीं है। प्लस टू के अंदर मैंने बताया उनको कैलकुलस बहुत आसान, मतलब कैलकुलस इनके लिए कुछ भी नहीं है यार ये चीज़ें करना। तो अगर आप एक प्लस टू के स्टूडेंट को दोगे ना ये सारी चीज़ें, चाहे वो कैसा भी होगा, चाहे नहीं भी पढ़ता होगा, इतना तो वो आराम से कर ही देगा, क्योंकि इससे ऊपर तो एनसीईआरटी का पेपर आना ही आना है। ये तो कुछ भी नहीं है, पहला पहले दिन करवाएंगे ऐसा तो आपको। तो मतलब ये कैलकुलस वाला पार्ट उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करना क्या है बस, बाकी मैथमेटिकल वो कर लेंगे। बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है ठीक। तो वापस थर्मल कंडक्टिविटी पे आते हैं। टी नॉट इनिशियल टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाइम वैसे कॉन्स्टेंट नहीं, स्मॉल टी तो चेंज हो रहा है। ओके ओके नेक्स्ट इज ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन है, मैं बता दूंगा क्या करेक्शन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। उसने आपको एक ट्राइंगल की फॉर्म में तीन रॉड्स दे दी ठीक है। लेंथ रॉड की क्या दी एल, इसकी क्या दी एल, इसकी रूट टू एल ठीक हो गया। इसका टेम्परेचर दे दिया रूट टू टी, इसका टेम्परेचर टी ऑफ सी क्वेश्चन मार्क लगा लो आगे, ये निकालना है। टी ऑफ सी इज अ क्वेश्चन मार्क, टी ऑफ सी क्वेश्चन मार्क निकालना है ठीक है। तो टी ऑफ सी इज अ क्वेश्चन मार्क निकालना है, और ये टेम्परेचर आपको दे दिया राइट। फिर उसने कहा कि हीट बी से लेके सी तक जा रही है, यानी हाई टू लोअर टेम्परेचर, और हीट बी से लेके सी तक लंबे रास्ते से भी जा रही है और एक छोटे रास्ते से जा रही है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया सेमी सर्कल वाला, यही तो था सीधा और ऊपर से राइट। कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो मुझे एक ख्याल आता है कि हीट मूव कर रही है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर तो डाउन ही हो जाएगा, वो तो लेते ही नहीं। हाँ सही है, इसमें गलत तो नहीं है कि अगर मैं हीट को ट्रांसफर करवा रहा हूं तो गर्म बॉडी ठंडी हो जाएगी, ठंडी बॉडी गर्म हो जाएगी, वो कहां कंसिडर कर रहे हो, आप तो कॉन्स्टेंट ही लेके चल पड़े हो। तो इसमें गिवन होता है इन स्टेडी स्टेट हर लाइन में, और ये ना इनिशियल की बात ही होती है हमेशा, मतलब फाइनल तो ऑब्वियसली टेम्परेचर सारे बराबर हो जाएंगे, बट वो चीज हम कंसिडर करते नहीं इन क्वेश्चंस में राइट। मतलब अगर कोई ये भी कह सकता है कल को मेरी हीट चली गई तो मेरा टेम्परेचर भी चेंज करो, तो नहीं करना राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता। तो अब क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि हीट इज फ्लोइंग एट स्टेडी स्टेट, मैंने बता दिया टी ऑफ सी निकालो। कुछ लोगों ने आंसर दिया दूसरे बैच में, जितनी हीट इसमें जाएगी या क्यू बाई टी हीट फ्लोइंग हीट करंट जो इसमें जाएगा उतना ही हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें भी जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? यस ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन में किया, क्या आपको लगता है ऐसा लगता है? अच्छा ठीक है, तो मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे को रॉड ना थोड़ी कम समझ में आती है, मुझे ना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा समझ में आती है। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये एक वायर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर ये एक वायर है राइट, ये एक वायर है, ये दोनों सीरीज में है, जैसे ये सीरीज में एक ही बात है, दो रॉड सीरीज में है तो ऐसे बना लो एक ही बात है। तो ऊपर वाली दो रॉड सीरीज में है, नीचे वाली एक रॉड है। मुझे एक बात बताओ कि अगर जो भी करंट यहां से आएगा आए, क्या इसमें ये जरूरी है कि करंट सेम जाएगा? नहीं, तो फिर आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि आपने मुझे कहा हीट करंट जो यहां पे आएगा वो हीट करंट यहां पे जाएगा, नहीं बराबर तो नहीं जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सही। तो फिर ये पूछो पिछले क्वेश्चन में सेम क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता था उसमें कि मान लिया जाए अगर सेम है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर उसने नहीं बोला तो सेम नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, अगर रॉड सीरीज में है एक के बाद एक, उनमें सी है, उनमें ठीक है। जैसे अगर कोई कहेगा सर इनमें तो बताओ, इन दोनों में सेम है, क्योंकि हीट अब गायब तो होगी नहीं, जो हीट पर सेकेंड यहां आ रही है वो यहां आएगी ही आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
जो हीट पर यूनिट टाइम यहां आ रही है वो यहां आएगी, इन दोनों में बराबर है, लेकिन इनमें और इनमें बराबर नहीं होगा, कह नहीं सकते। हाँ, क्वेश्चन वाले ने खुद कह दिया वो बात अलग है, हमने नहीं लेना, हमारे लिए ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कोई कंफ्यूजन यहां पर, ठीक है ना? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, सीरीज में जितनी मर्जी रॉड हो 10 लगा लो, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगाओ, एक रॉड है, दो रॉड है, तीन रॉड है, सेम होगा, एक रॉड है, दो रॉड है, सेम होगा, रॉड ऐसी है, सेम होगा। लेकिन ये नहीं है कि एक रॉड तो ऐसे जा रही है और एक रॉड सीधी जा रही है, नहीं, इनमें डिफरेंट हो जाएगा। पर पिछले क्वेश्चन में वो कहता था कि सेम लो, तो इसलिए सेम लिया, नहीं तो मैं कभी सेम नहीं लूंगा, मैं डिफरेंट लूंगा, क्योंकि रॉड्स की थर्मल रेजिस्टेंस वेरी करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वेरी करती है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसमें करंट ज्यादा जाता है, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाता है, ऐसी थर्मल रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है, तो उसमें अनइक्वल करंट ही जाएगा। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, हर कौन क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो मुझे समझ में आता है कि, और तो कुछ गिवन नहीं है, पर यह समझ में जरूर आ रहा है कि इसमें जो करंट जाएगा पर यूनिट टाइम और इसमें जो जाएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो आपने नोट किया, मैंने क्या लिया, एक बी से ए लिया, बी से ए तक हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड ए से लेके सी तक इट विल रिमेन सेम विदाउट इसमें, क्योंकि नीचे वाली रॉड में क्या गया वो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ इन रॉड जो सीरीज में रॉड दिख रही हैं उनमें हीट करंट विल रिमेन सेम। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप में करेक्शन है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लगाते हैं बी से लेके ए तक, ध्यान से देखना, बी से लेके ए तक का फॉर्मूला बोलो, के के एरिया क्रॉस सेक्शन ए, टेम्परेचर डिफरेंस बड़े में से छोटा, अभी हीट ऊपर जा रही है तो यानी कि ये वाला टेम्परेचर बड़ा है और ये वाला छोटा, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है इसकी एल। क्या ये स्टेप क्लियर है? करेक्शन करो, मैंने गलती से टी सी लिख दिया, यहां पर क्या होना चाहिए टी, ठीक है ना? यहां तक पहला स्टेप क्लियर है समझ? तो ऊपर की तरफ लगाया बी से लेके ए, अब सेम रूल लगेगा कहां, ए से लेके सी, ये लो ए से लेके सी तक, बोलो ए के थर्मल कंडक्टिविटी सबकी सेम होगी, मटेरियल तीनों का सेम गिवन है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, टेम्परेचर डिफरेंस हीट यहां से यहां आ रही है तो बड़े में से छोटा क्या, टी माइनस टी सी डिवाइडेड बाई लेंथ इसकी भी कितनी है रूट ट्वेल्व। क्लियर यहां तक? करेक्शन है यहां पे, यहां टी माइनस टी सी आएगा, प्लीज टी माइनस टी सी करो यहां पर भी, ये समझ में आ रहा है रूल? और प्लीज इसे जरा सॉल्व करना और बताओ टेम्परेचर टी क्या आ रहा है, टी सी क्या आ रहा है, सॉल्व करो और टी सी निकाल दो प्लीज, यही कर लो पेज पे कर लो अपने, ये सॉल्यूशन गलत है, आगे यहां से शुरू करना है, अपना सॉल्व करना और टी सी का आंसर निकाल लो प्लीज। आ गया आंसर कितना, टी, चलो ठीक है निकाल लोगे जो भी आ गया, ठीक है जितना भी आ गया निकाल लो, कोई बात नहीं, मेथड समझ में आ गया करना क्या है।
ओके ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिख लो पहले ये ओनली फॉर नॉन मेडिकल प्लीज. मेडिकल में लिख लें चाहे, मेडिकल में नहीं आएगा ये, इंटीग्रेशन ज्यादा है इसमें. सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखा जा सकता है, दो लाइन का ही काम है वैसे. ओके ध्यान से देखो प्लीज आगे. नॉन मेडिकल का तो बनता है क्वेश्चन, आएगा पक्का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है. स्फेरिकल शेल है, ध्यान आगे प्लीज. एक स्फेरिकल शेल है किसी, ठीक है यहां से यहां तक मटीरियल ही मटीरियल है, कंडक्टर है बीच में, अंदर से खाली है. अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है. बाहर की सरफेस का टेम्परेचर टी टू है, अंदर की सरफेस का टेम्परेचर टी वन है. और टी टू ग्रेटर देन टी वन है तो हीट पक्की बात है बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी, मटीरियल के अंदर कंडक्ट करती हुई अंदर की तरफ आएगी. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो हीट टी टू से टी वन की तरफ आएगी. अब प्रॉब्लम देखो क्या है, जब हीट कंडक्ट होती है एक कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है उसका, जैसे इसमें कंडक्ट करवानी है, हम क्या करते हैं, यहां से एंटर करवाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वो हर वक्त अंदर जाते हुए ए ही रहता है. यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, हीट बाहर के सरफेस एरिया से एंटर करती है, अंदर आते आते जहां से एंटर कर रही है उसका एरिया कम हो रहा है. पहले एरिया 4π b² है, अंदर आते आते और कम हो गया, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और यानी कि एरिया इज चेंजिंग. कोई डाउट इसमें? सिर्फ एरिया नहीं, अगर आप इमेजिन करें कि कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ले आप इसका जिसमें हीट एंटर कर रही है, छोटे छोटे पोर्शन से एंटर कर रही है, dr थिकनेस, फिर dr, फिर dr, फिर dr, तो मैंने एक थिकनेस ले ली कितनी dr, और मान लो यहां का टेम्परेचर बड़ा है, यहां का थोड़ा छोटा है, तभी हीट बाहर से अंदर आएगी. और टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल कितना है यहां पर, dt, इस पेंसिल वाले जो डायग्राम है उसमें dt, और थर्मल कंडक्टिविटी k है. तो मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि रेडियस चेंज होता जा रहा है तो मैं पहले स्मॉल हीट निकाल लूंगा dq/dt इस पोर्शन में, फिर अगले पोर्शन में, फिर अगले पोर्शन में. आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं इंटीग्रेशन यूज होने वाली है, क्योंकि एरिया हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज, तो हीट फ्लो भी हर वक्त क्या हो सकता है, चेंज. तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से ही ये क्वेश्चन हो सकता है. कोई डाउट इसमें? क्योंकि एरिया अगर कॉन्स्टेंट होता फिर तो बात भी थी कि अगर एरिया कॉन्स्टेंट है फिर तो ठीक है, फिर तो फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा. और क्योंकि जब चीजें चेंज होती हैं तो इंटीग्रेशन यूज होगी. क्वेश्चन ये है कि हीट फ्लो पर सेकंड कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, तो बाहर से जो अंदर हीट आ रही है वो कांस्टेंट है, बताओ वो कितनी है, ये क्वेश्चन है. सबसे पहले काम करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपने एक स्मॉल पोर्शन लेना है, ये पेंसिल वाला जो पोर्शन है स्मॉल पोर्शन है, ले लिया, और मान लो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें कितना है डीटी, और थिकनेस कितनी है इसकी डीआर. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं dq/dt इस k, और इस शेल का रेडियस मैंने आर्बिट्री क्या लिया किसी भी इंस्टेंट पर r, तो एरिया कितने एरिया से हीट एंटर करेगी, 4π r² तो k एरिया 4π r² इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इनमें dt, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसमें dt. को डाउट इसमें? डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ कवर करती है dr, क्योंकि यहां से आने में लेंथ कवर कितनी है इसमें dr. को डाउट इसमें? तो dq/dt k एरिया 4π r² इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना dt और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस dr. ये स्टेप समझ में आ रहा है स्पेशली नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल वाले ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आया? तो स्मॉल पोर्शन के अंदर ये फॉर्मूला लगा पहले, ये चीज कांस्टेंट है. एक काम करना है, r वाली टर्म्स एक तरफ और dt वाली टर्म्स एक, या ये जामर, ये जामर जी रख लो, टेम्परेचर एक तरफ, dr एक तरफ. अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन कैसे, जब हम बाहर पे यहां थे टेम्परेचर क्या था t2, अंदर आते आते क्या हो गया t1, तो टेम्परेचर की लिमिट देखो कहां से स्टार्ट हुए, t2 से t1. जब हम t2 पे थे तो रेडियस कितना था b, चेक करो, जब हम t2 पे थे तो रेडियस कितना था b, और जब t1 पे आ गए तो रेडियस क्या हो गया a, तो लिमिट क्या लगेगी t2 पे b, t1 पे a, यानी कि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, b से a पे आ रहे हैं. ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां रेडियस की लिमिट लग गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. 1/r² r^-2 होता है, इसकी इंटीग्रेशन अगर करें
तो इंटीग्रेशन r इज टू पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस बाहर आ गया वन बाई आर, यहां टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू चलेगा, एक बार r की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ये टर्म आ गई। एक काम कर सकते हो, माइनस साइन को यहां ले जाओ तो ये टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डी क्यू बाई डी टी, तो आंसर आ जाएगा। फिर तो मैथमेटिकल सॉल्व करना है, मेथड समझ में आ रहा है। देखो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बनेगा, एक शेल को लेके, शेल का थिकनेस डी आर लेके, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस डी टी लेके इंटीग्रेट करना है डी आर और डी टी में, क्योंकि डी आर भी चेंज हो रहा है और डी टी भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? चलो एक बार फिर करके दिखाता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा कैसे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम जान के लिया मैंने, इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने शेल की जगह क्या ले लिया, एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेल है, अंदर से खाली है, बाहर का टेम्परेचर टी टू, अंदर का टी वन है, हीट मूव करेगी बाहर से अंदर। अब इसमें क्योंकि एरिया जो होगा, अब कौन सा एरिया लेंगे, याद रखना एक चीज, अगर आपका क्वेश्चन एक सिलेंडर पे है और हीट ऐसे एंटर कर रही है इस तरफ से इस तरफ, एरिया ये लेंगे, अगर यहां से अंदर की तरफ जा रही है तो एरिया कर्व सरफेस लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से हीट जा रही है तो क्रॉस सेक्शन, और अगर यहां से हीट जा रही है तो पूरे का पूरा कर्व। और हमारे क्वेश्चन में हीट कहां से कहां आ रही है, बाहर से अंदर, तो पूरा कर्व लेंगे। अब प्रॉब्लम देखो, कर्व सरफेस एरिया अंदर आते आते छोटा 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 होता जा रहा है, तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे फिर से। तो कोई भी एक शेल ले लिया बीच में आर्बिटरी, जिसका रेडियस कितना, स्मॉल थिकनेस क्या ले रही, डी आर, तो हीट डी आर डिस्टेंस अंदर जाएगी, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है डी टी, लेंथ इसकी एल है, और ये मान लो शेल का रेडियस क्या है आर। फिर से वही चीज निकालनी है, डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला के, इस बार एरिया की जगह क्रॉस सेक्शन नहीं, कर्व सरफेस एरिया बोलो आर, इस पोर्शन का रेडियस क्या है आर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा टू पाई आर एल, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसमें डी टी, और लेंथ छोटी सी कवर कितनी करेगा डी आर, सेम चीज है भाई, एरिया ही चेंज हुआ बाकी सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई आर वाली टर्म्स एक तरफ, डी टी वाली टर्म्स एक तरफ, मेडिकल में बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि लॉग आ गया आगे, वन बाई आर डी आर इज नेचुरल लॉग ऑफ आर, आप मैथ्स वाले लोग करते हैं बी से लेके ए तक, और टेम्परेचर लिमिट समझ में आ रही है वही सेम, टी टू से टी वन और बी से लेके ए, एक बार आर की जगह अपर लिमिट एक बार आर की जगह लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, और यहां से टी वन माइनस टी टू, बस हो गया सॉल्व। यहां से सॉल्व कर लेना डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक आइडिया समझ में आ रहा है, चाहे शेल हो चाहे सिलेंडर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो आपको इंटीग्रेशन को ही यूज करना है, और कोई तरीका नहीं। ठीक, मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल में नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में छोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आई, ये क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ काफी बार। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉलिड सिलेंडर गिवन है, सच दैट, ये हॉलो नहीं है प्लीज, इसके अंदर का मटेरियल K1 है और इसके बाहर का मटेरियल K2 है, दो डिफरेंट मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ है, यानी कि हो सकता है कोई बेटर कंडक्टर हो उसमें ज्यादा हीट जाएगी और जो थोड़ा कम है उसमें कम हीट जाएगी। हीट एंटर कहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही, इस बार हीट यहां से एंटर करवा रहे हैं, राइट। वैसे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता डी क्यू बाई टी टी, ये खुद पता होना चाहिए, बस वो बताएगा कि यहां का टेम्परेचर टी टू है यहां का टेम्परेचर टी वन है, तो दे इज सम टेम्परेचर का डिफरेंस। वो सिर्फ एक ही चीज पूछेगा कि अगर अंदर की थर्मल कंडक्टिविटी के वन है और ये वाली थर्मल कंडक्टिविटी के टू है, और अगर मैं एक सिलेंडर लेना चाहूं एक मटेरियल का, तो उसका के अफेक्टिव क्या होगा, के वन के टू की फॉर्म में एक मटेरियल के अफेक्टिव बताओ, जैसे हम सीरीज पैरेलल में क्वेश्चन किया करते थे। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर मैं यहां से हीट करंट एंटर करवाऊं डी क्यू बाई टी टी पैरेलल में, तो उसमें से कुछ हीट करंट इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, दोनों में बराबर नहीं जा सकते क्योंकि एक एक बेटर कंडक्टर हो सकता है और नहीं हो सकता,
तो जो भी हीट यहां से एंटर करवाओगे इसमें कितनी चली गई dq by dt फॉर फर्स्ट रॉड या फर्स्ट पोर्शन और बचे में या अलग चली गई, दोनों में अलग अलग इसलिए जाएगी क्योंकि दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, कोई डाउट इसमें, दोनों में सेम नहीं जा सकती, कोई डाउट? हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि टोटल जो dq by dt हमने भेजा था क्रॉस सेक्शन की तरफ से वो कुछ फर्स्ट मटेरियल में चला गया और कुछ सेकेंड में चला गया, तो फर्स्ट में कितना गया dq by dt फर्स्ट और सेकेंड में कितना गया dq by dt सेकेंड, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि ये पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट आया कुछ i1 और कुछ i2, ठीक है यहां तक? अब dq by dt फर्स्ट रॉड का बोलो क्या होगा, k1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रॉड का यहां से एरिया, ये एरिया लेंगे क्योंकि यहां से हीट एंटर कर रही है, एरिया बोलो कितना है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस आर है पाई आर स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस वो तो हर रॉड के लिए टी टू माइनस टी वन यानी कि डेल्टा टी होगा, वो तो सेम ही है, लेंथ कितनी कवर करेगी हीट एल, ये क्लियर है? पहले अंदर वाले पोर्शन के लिए क्लियर है फॉर्मूला, अब बाहर वाले पोर्शन के लिए देखें, बाहर वाले पोर्शन के लिए के टू, अब हीट में तो जाएगी नहीं, सराउंडिंग इस एरिया में जाएगी, यहां से एंटर करेगी, तो बोलो ये एरिया कितना है पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया, तो बाहर वाला एरिया, तो समझ में आ रहा है पूरा एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, तो इसमें एंटर कर गई, जैसे डाउट है ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो सर्कल बचा ये सेकेंड पोर्शन है, ये के वन फर्स्ट पोर्शन है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, पहले वाले में एरिया पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले में ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया पूरे इसका पाई इंटू टू आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस, तो बचा हुआ एरिया, राइट? तो ये स्टेप समझ में आया, टेम्परेचर डिफरेंस तो इसका भी डेल्टा टी रहेगा, लेंथ इसकी भी एल रहेगी, कोई डाउट इसमें? अब हमें क्या करना है, हमें ये के वन के टू में काम नहीं करना, हमें तो एक पूरा सिलेंडर चाहिए जो एक ही मटेरियल का बना हुआ है और वो एक मटेरियल क्या है के अफेक्टिव, तो अगर ये इसकी जगह एक और डायग्राम रीड्रॉ करूं जिसका एक ही सिलेंडर है, वो एक सिलेंडर का रेडियस क्या होगा 2r, बना होगा एक मटेरियल का, तो यहां पर पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, तो समझ में आ रहा है? तो जब इस पूरे फिगर की जगह एक ही मटेरियल यूज करना है, साइज थोड़ा चेंज करना है, साइज तो सेम ही रखना है लेकिन मटेरियल चेंज करना है के, तो एरिया इस पूरे एरिया में से एंटर करेगी हीट क्योंकि वो एक ही के का बना होगा पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, लेंथ भी सेम, सॉल्व कर लो यहां से के इफेक्टिव आ गया, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे करना है? गुड, बोलो फिर से। देखो यहां पर दो मटेरियल्स हैं, ये फर्स्ट मटेरियल है और एक सेकेंड मटेरियल है, राइट? ध्यान से देखना, ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, एक अंदर वाला K1 है ब्लू वाला और ये वाला जो है ये K2 है, हीट एंटर कर रही है, कुछ हीट इसमें जाएगी और कुछ यहां से एंटर करेगी, जो हीट इसमें जाएगी उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, जो हीट इसमें जाएगी उसका एरिया टोटल एरिया में से इसका एरिया माइनस पाई इंटू टू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट? ये वाला एरिया, तो एरिया समझ में आया, एक में पाई आर स्क्वायर एक में ये, K1 K2 डिफरेंट है, लेंथ दोनों के लिए सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे फिगर की जगह बस मुझे एक ही फिगर चाहिए और बस मुझे एक ही K चाहिए बस, तो दो नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही इफेक्टिव चाहिए, साइज भी चेंज करना, तो हीट यहां से एंटर करेगी इन रेडियस ऑफ कितना 2r, तो इस समझ में आया 2r, टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ सेम है, यहां से सॉल्व कर लेना, आर आर तो कैंसिल कर ही लोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कोई एडवांस का पेपर खोल के देखे तो एक क्वेश्चन दिखेगा आपको पुराने पेपर्स में थर्मोडायनेमिक्स में, उसने सेम क्वेश्चन दे दिया, मालूम है फिगर चेंज कर दी, क्यूबॉइड दे दिया और आसान कर दिया, मैं तो कहता हूँ ये लो अंदर का एरिया, मतलब उसने कहा ये के वन है ये के टू है, के अफेक्टिव निकालना था, सेम ही तो दिया, फिगर ही चेंज की, तो यहां से हीट गई, यहां से हीट गई, ऐड कर दिया, बाकी सब सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करना था, आंसर सेम नहीं आएगा, आर कहां से आएगा, डायमेंशन गिवन थी उसकी क्यूब क्यूबॉइड की,
नहीं वो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, वो क्यूबॉइड की क्या डायमेंशन थी वो गिवन थी, एरिया वाला 6 × 4 × 2 ऐसा कुछ गिवन था उसमें तो, बट पॉइंट समझ में आया कि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा इसमें, राइट। और जो नीट के क्वेश्चन बहुत, मतलब दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, दो क्वेश्चन बहुत होते हैं एक छोटे से चैप्टर में, मतलब कहाँ आपने कैलोरीमेट्रिक्स लगाया एक महीना, कहाँ आपने ट्रांसफर ऑफ हीट कर ली, ये इसकी वेटेज तो देखो। उल्टी तैयारी शुरू करना, सीधी मत शुरू कर देना कहीं तैयारी, सारा पेपर यहीं से आना है, उल्टा आना है सारा, जानदार चैप्टर्स हैं उल्टे, वो तो चलो एक वार्म अप एक्सरसाइज थी कि यकीन हो जाए कि हम नॉन मेडिकल कर सकते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज थी, मैंने हमेशा बोलता था ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। और हमें आप शुरू के कोर्सेज याद हो, मैं हमेशा एंड में बोलता था ये आएगा नहीं, ये पेपर में आएगा नहीं, आपको याद होगा ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ ये भी आया हुआ है, अब ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। देखो आप पहले 4 महीने और आखिरी 4 महीने के अंदर स्टेटमेंट में डिफरेंस देख लो कितना है, तो इससे पता लगता है कि सारा पेपर इसमें से ही आएगा, ठीक। और बस ठीक है, जिसका कोर्स, जो कोर्स सही तरीके से कर जाए, 2 बार कर जाए, बस ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगी सिलेक्शन उसकी। वापस बुकलेट पे आ जाओ, वापस बुकलेट पे आओ, देखो एक लॉ जिस जो किसने बनाया, स्टीफन ने, तो लॉ का नाम स्टीफन्स लॉ, तो याद कर रहे हो आज के टाइम में भी स्टीफन को, ये तो खास बात है अंग्रेजों की। देखो स्टीफन लॉ, ध्यान प्लीज प्लीज ध्यान आ गए यार, नंबर नंबर बट रहे हैं, ध्यान आ गए, ये आएगा ठीक। स्टीफन लॉ मेडिकल में तो पक्का ही आएगा, नॉन मेडिकल में भी बताता हूँ क्या आया हुआ है इसमें। स्टीफन ने ये बताया कि कोई बॉडी जो गर्म होगी, चाहे वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी या नहीं होगी,
हो भी सकती है, एनी बॉडी भी हो सकती है, गर्म है मतलब जिसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, टी है, वो अपने अंदर से हीट को एमिट करेगी। आप कहोगे ये तो न्यूटन ने भी बताया था कि कोई भी बॉडी अपने अंदर से हीट को एमिट करती है और अपना टेम्परेचर क्या कर लेगी, डम कम करती है, ऐसा ही होता है। न्यूटन ने जो काम किया था वो हीट लॉस, कितनी हीट रिलीज होती है, और टाइम पे किया था, कितनी देर में चाय का कप या बॉडी ठंडी होगी, न्यूटन का लॉ टाइम बताता है कितने टाइम में बॉडी का टेम्परेचर कितना डाउन आ जाता है, राइट। लेकिन लॉजिक उसका वही था कि अपने अंदर से कोई बॉडी हीट निकालती है फिर वो टाइम निकाल देता है। स्टीफन ने यह कहा कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है, और मान लो ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पहले ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर इसका टेम्परेचर टी है तो उस केस में ये अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी की एमिसिव पावर, नहीं एमिसिविटी एप्सिलॉन है, बस यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, एमिसिविटी एमिसिव पावर एक जैसी दिखती है। मैंने अलर्ट बोला था, अलर्ट है इसलिए बोला था, वो सब एक जैसी दिखती है। तो एमिसिविटी एप्सिलॉन है, वो तो रेशियो होती है ई और कैपिटल ई की। एमिसिव पावर का मतलब ई नॉट, भूल गए ई नॉट, अब दिख रहा है ई नॉट, ई नॉट का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसने कहा कि मैं बता सकता हूं कि कोई बॉडी की एमिसिव पावर क्या होगी, टेम्परेचर रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी। ये लॉ है, प्रूफ उसने किया होगा, हमने नहीं करना, तो उसकी स्टेटमेंट याद रखनी है कि उसने टाइम के साथ काम नहीं किया। उसने कहा मैं ये बता दूंगा कि एक बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है तो अपने अंदर से कितनी एनर्जी एमिट कर सकती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज टू पावर 4। ये किसकी बात हो गई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसने कहा कि मेरा नाम याद रखने के लिए एक कॉन्स्टेंट लगाओ मेरे नाम का, स्टीफन कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, न्यूटन का कॉन्स्टेंट, जो भी है इनका काम है ये। और वैल्यू बहुत बढ़िया निकाल ली, 5, 6, 7 और 8, 5.6, 7 और -8, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है, ये इसका लॉ था। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने स्टीफन लॉ को यूज़ किया था अपना रिजल्ट निकालने के लिए, हमने प्रूफ नहीं किया ना, मैं व्हाट्सएप पे अपलोड करूंगा आज, 10 मिनट का क्लिप है कैसे उसने किया, कि स्टीफन लॉ बताता है कोई बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करती है। उसने पता है क्या किया, उसने किया चाय का कप का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है, फिर थोड़ी देर में 50 डिग्री सेल्सियस है, उसने हीट लॉस निकाल लिया स्टीफन लॉ की हेल्प से, माइनस किया, वहां से उसको टेम्परेचर का डिफरेंस पता लग गया, एनर्जी लॉस पता लग गया, एमसी डेल्टा टी लगाया, वहां से टाइम की वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई। मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें करना नहीं है, ऑप्शनल है, किसी को शौक है देखने से ही क्या किया उसने तो देख ले, एक्सी वर्मा के अंदर उसका प्रूफ गिवन है, मैं वहीं से करवा रहा हूं उसे, तो ऑप्शनल है, वो नहीं आता कहीं भी नहीं आता, ना मेडिकल और नॉन मेडिकल, बट फिर भी अगर कोई एडवांस लेवल जाना चाहता है तो उसको जरूर देख ले, उसमें बाइनोमियल्स यूज होती हैं, आप देख लेना उसको कैसे करना है। मेडिकल को करने की जरूरत नहीं, नॉन मेडिकल को भी मेंस तक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, एडवांस तक भी मैंने देखा नहीं उसको आता हुआ, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसको देख लिया जाए तो ठीक है, कुछ गेन ही हो जाएगा, नहीं देखोगे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से मत करो चाहे। तो वैसे आपकी जस्ट मतलब कईयों को शौक होता है, देखें जरा क्या किया उसमें, ठीक। तो ये वैल्यू क्लियर है यहाँ तक। अब स्टीफन से पूछा कि यार कोई बॉडी जरूरी है, तेरा लॉ ब्लैक बॉडी पे ही लगेगा, उसने कहा नहीं जरूरी नहीं है, आप ऐसा कर लेना किसी भी बॉडी के लिए, फॉर एनी बॉडी एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी की रेशियो को एमिसिविटी बोलते हैं, अब एमिसिव राइट। तो एक काम करना, किसी भी बॉडी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई एमिसिव पावर, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और ई नॉट क्या है, सिग्मा इनटू टी की पावर, कब चेक कर सकते हो आपका रिजल्ट, ये ब्लैक बॉडी के लिए और ये एनी बॉडी के, लिख लेना दिस इज फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर एनी बॉडी, और एनी बॉडी में क्या आएगा, एमिसिविटी भी आएगी। और एक और करेक्शन करना, यहां पर एमिसिव पावर नहीं है, यहां पर एमिसिविटी है, प्लीज गलती से एमिसिव पावर लिख दिया, क्योंकि एमिसिव पावर 1 थोड़ी ना होती है, एमिसिविटी 1 होती है, एप्सिलॉन यहां लिखो ब्रैकेट में, एमिसिविटी इज 1, एमिसिव पावर की जगह एमिसिविटी एप्सिलॉन इज 1, क्योंकि उसने रिजल्ट दिया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे, राइट। तो रिजल्ट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कभी भी स्टीफन लॉ आए ध्यान से सुन लो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे आए तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, नहीं आए एनी बॉडी आए तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस दो रिजल्ट याद हो गए, ठीक। नेक्स्ट है,
स्टीफन लॉ हमें क्या देता है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया किसी भी बॉडी के लिए विच इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, स्मॉल ई क्या होता है, यही होता है एप्सिलॉन इनटू सिग्मा टी फोर, राइट, समझ क्लियर है, यही फॉर एनी बॉडी अभी बताया मैंने। अच्छा ई का मतलब होता क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अगर क्वेश्चन आए कि एनर्जी बताओ कितनी निकल गई बॉडी में से, एरिया और टाइम को राइट साइड पे ले जाएंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो स्टीफन लॉ देता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और एनर्जी निकालने के लिए एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई। ये रिजल्ट भी क्लियर है। फिर वो ये बताता है कि मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है और बाहर का वॉल्स का टेम्परेचर T2 है, या वॉल्स का टेम्परेचर T1 है बॉडी का T2 है, कुछ भी है, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो हीट फ्लो करेगी गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में, कितनी इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हीट तो स्टीफन लॉ ने बता ही दिया था, तो दोनों का डिफरेंस लोगे T1 T2 आंसर आ जाएगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो जो भी आपको हीट गिवन है एक टेम्परेचर T1 पे निकाल लो एक T2 पे निकाल लो, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, हीट लॉस आ जाएगा। कोई डाउट, ये न्यूमेरिकल में देख लेंगे, रिजल्ट नहीं है कोई, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, स्टीफन लॉ समझ में आ गया। और लास्ट एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है वेन्स, और इससे ऊपर है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। न्यूटन ने क्या किया था, उसने कहा कोई बॉडी का टेम्परेचर टी है अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी, कितने टाइम में करेगी, टाइम का रिलेशन बताया था। स्टीफन क्या कहता है, कोई अगर बॉडी का टेम्परेचर टी है तो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी, बस कितनी करेगी, स्टीफन बताता है। वेन्स बताता है कि कोई बॉडी अपने जब उसका टेम्परेचर टी होगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगी, तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है मैं इस ग्राफ को, इसको ग्राफिकली बताता हूँ इस चीज को, और ग्राफिकली क्या बताता हूँ, उसने ग्राफ प्लॉट किया किसका, ई लैम्डा का, ई लैम्डा का मतलब एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ई लैम्डा स्मॉल ई लैम्डा कुछ भी कर लो, किसी भी बॉडी के लिए, वैसे नॉर्मल ब्लैक बॉडी के लिए रिजल्ट चलते हैं। तो उसने कहा कि कोई बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो मैं उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, स्टीफन ने वैल्यू बताई थी, ये ग्राफ प्लॉट करेगा। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कोई बॉडी का जब टेम्परेचर टी है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट कर रही थी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो जो एनर्जी एमिट कर रही थी उसने क्या किया, उसकी वेवलेंथ को मेजर किया। उसने क्या किया, एक बॉडी का टेम्परेचर टी है, बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जब वो एनर्जी एमिट कर रही थी तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी, तो उसने देखा कि वेवलेंथ, वेवलेंथ और ये एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का ये ग्राफ बना। मतलब उसने ये कहा कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो वो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी, बिल्कुल करेगी, तो शुरू शुरू में ज्यादा करेगी, फिर तो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करती है वो एक स्पेक्ट्रम करती है, लैम्डा की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, एक वेवलेंथ पे नहीं करती, कई वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करती है इकट्ठी, लैम्डा लैम्डा मतलब बढ़ता जा रहा है लैम्डा, देखो तो एक वेवलेंथ नहीं है, राइट। तो उसने बताया कि ये ग्राफ बना, कैसे बना वो डिटेल हमने नहीं करनी, क्लियर है यहां तक। तो उसने क्या ग्राफ प्लॉट किया कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है तो वो अपने अंदर से क्या एमिट करती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि एमिसिव पावर है। तो उसने मेजर किया कि उसकी जो एनर्जी बाहर निकल रही है बॉडी की, उसकी वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी शुरू में बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, और पीक वैल्यू ऑफ, ये पीक वैल्यू आई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया की, उस पीक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ आई उसको लैम्डा एम बोल दिया, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स का मतलब है वो वेवलेंथ जब एनर्जी एमिटेड एकदम मैक्सिमम है, इसकी रेडिएशन में जब इसे रेडिएट किया तो यहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा देखी गई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा को लैम्डा मैक्स बोला। ये ग्राफ उसने प्लॉट किया। फिर उसने क्या किया, ये मान लो एट टेम्परेचर टी किया था, टी थ्री किया था, उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसी बॉडी का, और उस बॉडी को अलाउ किया कि अब वो एनर्जी को फिर एमिट करे, अब हायर टेम्परेचर पे करे। उसने देखा कि वेरिएशन ऑलमोस्ट वैसा ही बन रहा है, वेरिएशन वैसा ही बना कि पहले वो ज्यादा एनर्जी करती है फिर वो कम कर देती है,
फिर पीक वैल्यू आई, लेकिन इस बार पीक वैल्यू जो आई वो थोड़ी सी पहले आ गई। जब टेम्परेचर बढ़ाया, ग्राफ का वेरिएशन वैसा ही है पर पीक वैल्यू थोड़ी लेफ्ट शिफ्ट हो गई। उसने टेम्परेचर और बढ़ाया, उसने फिर देखा कि कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वेरिएशन सेम है लेकिन उसकी पीक वैल्यू और आगे आ गई, यानी कि कम वेवलेंथ पर उसने ज्यादा एमिशन करना शुरू कर दिया। ये उसका रिजल्ट है। और उसने ये देखा कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ाता है, ये ग्राफ की वेरिएशन याद ही करनी है, ऐसे ग्राफ होते हैं कि एनर्जी बढ़ती है फिर पीक वैल्यू फिर नीचे हो जाती है, तो उसने देखा ये पीक लेफ्ट शिफ्ट होती जा रही है, पीक डिस्प्लेस हो गई, सीधी होने की बजाय टेढ़ी हो गई। उसने नाम रखा लॉ का वेन्स अपने नाम से, डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि पीक वैल्यू डिस्प्लेस होती जा रही है एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये उसका रिजल्ट थे उसके रिसर्च के। फिर उसने उसके कंक्लूजन्स निकाले, उसने कहा कि इससे कुछ मतलब निकल के आ रहे हैं। पहला मतलब क्या निकल के आया कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉडी को रखोगे उसकी पीक वैल्यू कम वैल्यू पे आनी, कम वेवलेंथ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि लैम्डा इनटू टी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर लैम्डा मैक्स कम वैल्यू पे अचीव हो जाएगा, लैम्डा मैक्स विल डिक्रीज एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स यहां की बजाय यहां ना स्टार्ट हो गया, यानी कि कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे पीक अचीव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नहीं आएगा, ये आएगा, लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट। और प्लीज मेंस वाले लोगों को क्वेश्चन आया कांस्टेंट की वैल्यू उसने दी नहीं स्टूडेंट को, अब कर लो जो करना है, ग्राफ रूल सबको आता था, कांस्टेंट भूल गए, याद कर लो कांस्टेंट, ठीक, लैम्डा इनटू, और मेडिकल में पक्का आएगा क्वेश्चन, बताऊंगा क्या आएगा, दिखाता हूं, तो यही रूल याद रहेगा। तो ये रूल समझ में आया। फिर दूसरा रिजल्ट उसने एक और चीज निकाली, दूसरा रिजल्ट उसने ये निकाला कि अगर मैं कोई भी एक ग्राफ लेता हूं, ये रहा, इसके अंडर एरिया निकालता हूं, वो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, पहले स्मॉल पोर्शन लिया जाए, याद है ऐसे लेते थे, ये अगर लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा डी लैम्डा लेंथ, और ये हाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ली जाती है, कितनी ई लैम्डा ली जाती है, ठीक, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, याद है थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ऐसे, ई लैम्डा रेक्टेंगल, और टोटल एरिया कैसे निकलेगा भाई इंटीग्रेशन, ये मालूम है क्या आएगा, ये टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी पूरी बॉडी की, जो फॉर्मूला याद करने को मना किया था पिछले लेक्चर में, मत करना ई लैम्डा डी लैम्डा की इंटीग्रेशन, ये यहां से आया था एक्चुअल में, ये मना किया था ना ऐसे वाला करने के लिए, ये एक्चुअल में यही था, इसने मना किया था, उस टाइम समझा ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि वेन ने बताया था कि अगर आप, अब ध्यान से सुन लो फाइनल रिजल्ट, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरे इस किसी भी कर्व के अंडर एरिया निकालते हो, एरिया निकालने का तरीका उसने फॉर्मूला हमें बता दिया, राइट, फॉर्मूला पता लग गया, ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको एक आइडिया दिया, करने की जरूरत नहीं है, बस इसका एरिया होता क्या ये समझना है, इसके अंडर जब एरिया आएगा वो क्या आएगा, टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये जो रिजल्ट देगा, ये जो रिजल्ट आता है ये क्या देगा, एमिसिव पावर देगा, और ये क्वेश्चन किसके लिए चल रहा है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसने कहा कि अगर आप इस कर्व के अंडर एरिया निकालें तो एरिया आपको क्या देगा, एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पर सेम चीज स्टीफन ने भी कही थी, स्टीफन ने कहा था ऐसा करने की जरूरत क्या है, मेरे से पूछो मेरा रिजल्ट क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर क्या होता है, ये होता है। तो स्टीफन का रिजल्ट लगाओगे तो सीधा टेम्परेचर बताओ, आंसर एक मिनट में आएगा, वेन से पूछोगे तो लंबी कहानी है, वो पहले कहेगा चलो जी ग्राफ प्लॉट करो, आप ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर कहोगे इसका एरिया निकालो, आप एरिया निकालोगे, फिर कहेगा आंसर सेम आ रहा है, दोनों के रिजल्ट सेम है, एक ने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया और एक ने ग्राफिकल इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों के एग्जैक्टली सेम है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, बस यही पता होना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड एक तो ये याद करना है, ये वाला ये मार्क कर लो, और दूसरा ये याद करना है कि एरिया अंडर द कर्व वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या देता है, सिग्मा इनटू टी की पावर 4, और ये होती क्या है, एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये दो रिजल्ट्स याद रहेंगे, सफिशिएंट है, राइट, कोई डाउट इसमें, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आना है मेंस और नीट के अंदर, सुन लो, वो कहेगा एक स्टार है और एक सन है, सन का टेम्परेचर T1 है और सन एनर्जी एमिट करता है, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम है, सन का लैम्डा दे दिया,
जब वो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करता है और टेम्परेचर दे दिया, फिर कहेगा एक स्टार है, स्टार मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम एमिट करता है मैक्सिमम एनर्जी, तो बताओ स्टार का टेम्परेचर कितना है। सन और स्टार के लिए लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू टी टू, एक टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरा निकालना होगा, एक मिनट में आंसर आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ अभी। ये पॉइंट क्लियर है लेकिन यहाँ तक, अब मैं आपको ना लगा के दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। तो इसके अंदर जो अभी शीट कर रहे थे, वापस आ जाओ प्लीज, ये शीट में बहुत छोटे छोटे दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं, इसको देख लेते हैं और क्लोज करते हैं ऐसे। वही सेम शीट, ट्रांसफर ऑफ हीट वाली, पेज नंबर 6। क्या गिवन है, टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्डिनरी बल्ब कितना है, 3000 केल्विन। बल्ब का टेम्परेचर कितना है, 3000 केल्विन। एट व्हाट वेवलेंथ विल इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी, टेम्परेचर और मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे, लैम्डा निकालना है। विल दिस वेवलेंथ विजिबल रीजन में होगी या नहीं होगी ये बताना है। तो मुझे पता है किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर गिवन है, कॉन्स्टेंट वेन कॉन्स्टेंट आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, कॉन्स्टेंट पता है, यहां से क्या निकालना है, लैम्डा एम। ये लैम्डा एम क्या देगा कि जब वो बल्ब मैक्सिमम एनर्जी को एमिट करेगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो एक आंसर आ गया। सॉल्व करके हमारी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकालनी पड़ेगी, 9600 एंगस्ट्रॉम। वो पूछ रहे क्या ये वेवलेंथ आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाए नहीं करती, विजिबल रेंज 7800 तक है बस, ये 9600 है, एक्सीड कर गई रेंज तो ये हमें नहीं दिखाई देगी, दिस विल नॉट लाई इन विजिबल रीजन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि जब लैम्डा और टेम्परेचर की बात होगी तो कहीं ना कहीं वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और वो एनर्जी मैक्स की एनर्जी मैक्सिमम वर्ड जरूर यूज करेगा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में। ये रूल समझ में आ रहा है? जैसे फिर देखते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन, ऑब्वियसली गर्म बॉडी है सन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, हैज अ मैक्सिमम एट, यानी कि मैक्सिमम लैम्डा एम आ गया, लैम्डा मैक्सिमम पता लग गया इतने सन के लिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ सन भी बता दिया उसने, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टार, स्टार का टेम्परेचर बताओ, जब उसका लैम्डा मैक्स कितना है, 9506 एंगस्ट्रॉम कर लो प्लीज, एंगस्ट्रॉम, राइट? तो अब ये समझ में आ रहा है, टी टेम्परेचर ऑफ सन है और लैम्डा एम का मतलब मैक्स वेवलेंथ जब एनर्जी मैक्सिमम है, स्टार के लिए डैश डैश कर लिया, और मैंने बताया वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। तो आपको स्टार का टेम्परेचर बताना है, आपको सन और स्टार की वेवलेंथ गिवन है, टेम्परेचर आपको पता है एक बॉडी का सन का, स्टार का टेम्परेचर आ जाएगा। गुड आउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन ज्यादा इजी है न्यूमेरिकल इसकी। टू व्हाट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर निकालना है, मस्ट अ ब्लैक बॉडी बी रेज्ड, बताओ एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ा दूं इन ऑर्डर टू डबल टोटल रेडिएशन, ताकि वो डबल एनर्जी एमिट करे। अब एनर्जी एमिट करना और टेम्परेचर स्टीफन का काम था, तो बेसिकली टेम्परेचर पहले कितना है, 1000 केल्विन, और टी डैश तब जब एनर्जी क्या होगी, डबल, और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया टेम्परेचर रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो आपने ये एक बार टी डैश पे लगाया, एक बार टी पे लगाया, टेम्परेचर हमें निकालना है दूसरे केस में, पहले केस में 1000 गिवन है और एनर्जी क्या करती है, डबल, तो इसकी रेशियो क्या पुट करनी है, टी डैश आ गया। तो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल ये में समझना ये जरूरी है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर तो लगता है लैम्डा का और टेम्परेचर का, लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, अगर लगता है टेम्परेचर का और एनर्जी का तो ई इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4। ठीक, मेंस वालों ने क्वेश्चन पूछा, कहते हैं कि एक बॉडी है जिसका लैम्डा एम आपको दे दिया कि वो मैक्सिमम एनर्जी इतनी लैम्डा पे एमिट करती है, राइट? तो बोलो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एमिसिव पावर निकालो। अब एमिसिव पावर में क्या चाहिए था हमें, टेम्परेचर। तो सबसे पहले मेन वालों ने क्या लगवाया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दिया तो ये आया, इसको पुट किया तो एमिसिव पावर आई, दोनों लॉ इकट्ठे टेस्ट करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे। पॉइंट समझ में आया? आपको वो लैम्डा दे रहा है ना, और टेम्परेचर आपको चाहिए था,
ताकि आप लैम्डा इंटू टी की पावर 4 में टेम्परेचर पुट करें, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट आपको पता था, तो वहां से टी आएगा, टी को यहां पुट करेंगे तो हमें सिर्फ पावर आएगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, राइट। नेक्स्ट जो है इसमें, एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन में क्या निकालना है, टेम्परेचर, विल द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट लैंप, 100 वॉट का लैंप है, पावर है, ऑपरेट, उसका क्या निकालना है, टेम्परेचर, इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एरिया और सिग्मा के बना है। मेरे को सिर्फ यह बात समझ में आती है कि कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करती है पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। मुझे क्या निकालना है, टेम्परेचर, सिग्मा मुझे पता है, सिर्फ मुझे टेम्परेचर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, आसान है। एनर्जी पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, पावर, पावर बाय एरिया, तो इमिसिव पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज पावर डिवाइडेड बाय, पावर पता है, एरिया पता है, तो क्या आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस टी निकाल लेना, सही कह रहे, चाहिए ई, चाहिए था ना, ई आ गया, डन, ठीक। और लास्ट, अ बॉडी विच हैज सरफेस एरिया गिवन, टेम्परेचर गिवन, क्या गिवन है, रेडिएट्स कितनी एनर्जी, 300 जूल, ध्यान आगे प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है, इतने जूल की एनर्जी रेडिएट करती है ईच मिनट, फाइंड एमिसिविटी, एमिसिविटी का सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन। अब मुझे समझ में आ रहा है वो एमिसिविटी पूछ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मुझे वो क्या दे रहा है, एनर्जी कितनी एमिट हो गई, और मुझे स्टीफन से पता है कि कितनी एनर्जी एमिट होती है, कितने टेम्परेचर पे, ई एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, इस सिग्मा इंटू टी की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एमिसिविटी, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नहीं भाई कोलिजन नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली कोलिजन ही बोलना, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब मुझे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मुझे क्या चाहिए, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी मुझे गिवन है 300 जूल, सेकेंड पर सेकेंड का मतलब, ईच मिनट का मतलब 60 सेकेंड, एरिया मुझे गिवन है, तो मुझे एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पता है, सिग्मा पता है, टेम्परेचर दे दिया, एमिसिविटी निकाल लेना, आंसर आ गया, ठीक यहां तक, कोई डाउट है, ओके, अब क्लोज है, ठीक है ना, यहां तक थर्मोडायनेमिक्स क्लोज है, एक लेक्चर में जरूर लूंगा एक्स्ट्रा क्लास में, अभी नहीं लूंगा, अगले हफ्ते ही लूंगा, पहले आप थोड़ा यहां तक कर लो, सिर्फ वैसे खत्म है, नहीं भी लूंगा तो भी चलेगा, पर ले लूंगा तो आपको फायदा ही होगा, आपके घंटे बचेंगे उसमें, राइट। अब मेन चीज देखो क्या करनी है, असाइनमेंट, असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज वाली, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो, चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा SHM एंड वेव्स, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोग बहुत एंजॉय करते हैं जैसे फोर्थ सेक्शन में किया करते थे, सेम। अब मेन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, SHM से हर चीज रजिस्टर में रोज लिखी जाएगी, मैं इसलिए लिख अभी कर नहीं पा रहा था बिकॉज वो पेपर्स खत्म हुए, प्रॉपर्टीज चल रहा था, दो चीजें मिक्स नहीं करना चाहता मैं, एक टाइम पे एक ही काम चाहता हूं। अब ध्यान से सुनना है, थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने कंप्लीट किया, आपने नहीं कंप्लीट किया, आपने अभी शुरू करना है क्योंकि आपका प्रॉपर्टीज कायदे से अब खत्म हुआ है। अब थर्मोडायनेमिक्स का काम अगर हमने 15 दिन लगा दिया तो फिर समझो SHM वेव में ओवरलैपिंग हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, 30, 31 और 1 आपको नहीं आना, एक छुट्टी दे रहा हूं उनको मंडे की, नहीं आना, ब्रेक है, ब्रेक मेरी और आपकी ऐसे नहीं है कि मतलब चलो छुट्टियां मनाते हैं, ये वो वाली ब्रेक नहीं है, वैसे तो एक छुट्टी का मतलब नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए वेकेशन ही होता है, ठीक, पर चलो ये वेकेशन मतलब आप फंस चुके हो उसमें। अब ध्यान से सुनो करना क्या है, आपने अब जब आना है KTG से लेके ट्रांसफर ऑफ हीट तक अपने रजिस्टर्स कंप्लीट करके लाने हैं, बहुत काम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है यार, क्या हो गया यार, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, कोई बात नहीं, चार मैंने देखो मैंने क्लास ऑफ की है उसके बदले में आपको, यार संडे मिल गया, मंडे मिल गया, ट्यूसडे मिल गया, सैटरडे मिल गया, आज की रात मिल गई,
ट्यूसडे की रात मिल गई, नहीं छुट्टी कैंसिल नहीं होगी। देखो मेरे को मालूम है, मैं समझ सकता हूं। ध्यान, आप बस ये इमेजिन करो कि अगर आपको ये कहा जाए कि पूरा सिलेबस करना है एक दिन में, आप कैसे करोगे? मैं तो आपको सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक्स ही कह रहा हूं, और करना तो है ही इन एनी केस। और काम कैसे किया जाता है? काम प्रेशर में ही होता है, मतलब दबा के। जब आपने एक बार सोच लिया ना कि करना है तो करना है, बस तभी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो, आपने दो चीजें बड़े ध्यान से सुननी है। एक तो आपने केटीजी से लेके ट्रांसफर ऑफ हीट का रजिस्टर कंप्लीट करना है। एफर्ट लगेगा, जबरदस्त एफर्ट लगेगा, मुझे मालूम है, बड़े आपको बहुत पे करेगा, क्योंकि अगर एसएचएम में ओवरलैपिंग हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत एसएचएम खराब हो जाएगा। तो चार दिन बहुत हैं, मुझे भी पता है यार, हम भी रोज काम करते हैं, प्लस टू का भी बैच चल रहा है, रोज क्लास होती है उनकी, रोज 18-18 शीट्स मैं अपने हाथ से लिखता हूं। 18 शीट्स लिखने का मतलब मुझे पता है कि आपको भी पता है कि क्या दे रहा है। मुझे मालूम है अगर आप 20 शीट्स रोज लिखते हो, 20 शीट्स कोई कम नहीं होती, मुझे पता है। 20 × 4 यार 80 शीटें लिखी जाती है, मैं क्या बात करते हो जाएगा, मुझे पता है। कोई ऐसा टास्क दुनिया में कोई है नहीं जो पूरा ना हो सके, सब हो जाता है। दूसरा काम, जब आप आओगे केटीजी से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक का टेस्ट होगा, क्योंकि आप लिख रहे हो तो आपको आता भी होगा। केटीजी से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक का टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या आएगा सुन लो। 10 तो मैं आपको फॉर्मूले, 1, 2, 3, 4 आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ये तो है। दूसरा, आपकी बुकलेट के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, थर्मोडायनेमिक्स की 10 क्वेश्चन में से मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा लिखने को। दूसरा फेज हो गया, बता रहा हूं, एनसीईआरटी वाला वो हो गया। 3 या 4 क्वेश्चन वो शीट्स में से दूंगा जो आप थर्मो तक की सारी कंप्लीट करके लाओगे, ओनली थर्मो तक की, बस ठीक हो गया। 2 फेज में टेस्ट ले रहा हूं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक और दूसरा कार्नोट साइकिल वाला सेकेंड लॉ एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, ये अलग फेज में। काम समझ में आ गया तो मेरी तरफ से छुट्टियां एंजॉय करो, मजे करो, ठीक। और कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको सोच गिफ्ट देना भूल गया, ला भाई जल्दी ला, एक दे इनको जरा, थोड़ा एक दे दे यार, मैं इनको सैंपल दिखा, रिकॉर्डिंग वालों को भी दिखाना है ना मुझे। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और टेस्ट नहीं, तो मैं अपने प्लीज पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स को बुलाने वाला हूँ आप लोगों की, आप रिकॉर्डिंग ज़्यादा सुनते हो और टेस्ट नहीं देते, ठीक। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ देख रहे हैं मुझे, ये ना कुछ जिज्ञासु स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स की शीट्स हैं, इसमें 75% करवाई हुई हैं, और ये इतनी मोटी, देखने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्यूशन भी है 5-6 शीटों के, इसलिए ज़्यादा मोटी है, ताकि कहीं आप फंसो छुट्टियों में, तो मतलब जो करना चाहे, पहले वो काम करना जो दिया, फिर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा प्रॉफिट ऑफ द मैटर की बहुत लोग शीट सॉल्व कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की करोगे तो यार मेडिकल में 5 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते, आफ्टर ऑल 5 बहुत होते हैं, मतलब 5 तो एक ओवर में 6 छक्के के बराबर ही हो गए, और ऐसे ही नॉन मेडिकल में 3 क्वेश्चन कोई मजाक की बात नहीं है। तो जो लोग करना चाहें इन शीट्स कर सकते हैं, और अगर छुट्टियों में कोई दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सएप पे करना, ग्रुप पे कर देना, मेरे पास सारे सोल्यूशन हैं शीट्स के, मैं आपको PDF बना के सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप अटके ना। तो जो भी आप शीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मेरे घर पे रखी हुई है, मैं लेके जा रहा हूँ, तो जो भी होगा या जो भी कोई डाउट होगा मैं उसको हेल्प करूंगा आपकी। अब इससे ज़्यादा तो आप क्या ही सपोर्ट दूँ यार, ठीक। ये लेकिन ये अभी के लिए नहीं, जो लोग कर सकते करें, लेकिन बोला पुराना काम करें, रिवाइज करें। तो टेस्ट के लिए मैं व्हाट्सएप पे लिख भी दूंगा जो मैंने आज बोला अभी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना, राइट। टेस्ट शुरू करो, इनको ये काम दे दो।